अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे YouTube फैमिली। आज की जो स्पेशल वीडियो है वो स्पेशली फॉर गर्ल्स है, और इसमें जो जैसे कि बच्चियों के कुछ अयाम होते हैं मखसूस, और उसमें उनको पेन हो रहा होता है लाइक पीरियड्स में। यूनिवर्सिटी गर्ल्स होती हैं और उनको पेपर होता है उस दिन, और उनको समझ नहीं आ रही होती कि टैबलेट नहीं खाना चाह रहे होते, और उनको बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है और एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। स्पेशली आज का जो आपको एक ख़ास किस्म का मैं कावा बताऊँगी, ये आपके इस मखसूस अयाम में जिसको आप हैज़ भी कहते हैं और पीरियड्स भी कहते हैं, ये आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या कॉज है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, और इसमें आपको किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए, लिहाजा वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। और इसके साथ पीरियड्स में जो आपको एक्नी एकदम से आ जाती है उसका भी ट्रीटमेंट है, मल्टीपल है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपको हैज़ या पीरियड्स आपको मखसूस अयाम में स्टार्ट होते हैं और पेन स्टार्ट होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती, तो दो चीज़ें आपने इसमें नहीं करनी। एक तो आप लोग ना ठंडा पानी मत पिया करें, स्पेशली बर्फ़ का पानी जो होता है। दूसरा ये कि इसके अंदर बाज़ बच्चियाँ ये करती हैं कि एकदम शावर ले लेती हैं, ठीक है आपने जाना है, फर्स्ट डे ज़रा आप इसे थोड़ा अवॉइड करें तो आपका इतना पेन नहीं होगा। और उसके लिए जो कावा आपने लेना है उसके लिए दालचीनी आपको चाहिए, एक ग्लास आपने वाटर लेना है, उसके अंदर दो स्टिक्स आप दालचीनी की ऐड कर दें, यानी वन ग्लास आपने वाटर लिया, एक ग्लास भरा हुआ, और जब वो हाफ़ रह जाएगा ना तो उसके बाद यानी आधा खुश्क हो जाए, आधा मतलब एक ग्लास से हाफ हो जाए, तो आपने स्टोव फ्लेम बंद कर देना है, तो वो थोड़ा सा रेड से कलर का हो जाएगा। दालचीनी के अंदर आपने एक स्पून जो है वो चीनी का ऐड कर देना है और दो छोटी इलायचियाँ डाल देनी है, दैट्स इट। ये तीन चीज़ें आपने डालनी है, दालचीनी, छोटी इलायची और एक चम्मच चीनी। इस तरह से आपने ये कावा बनाना है, जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो खाने के बाद या मतलब जिस वक्त भी स्टार्ट होता है, इवन के मिड नाइट है या मॉर्निंग में आपको कोई ऐसा टाइम है, आप उसमें ये कावा जो है बनाएं और पी लें, और वेरी क्विकली रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ ही इन अयाम में जैसे एकदम पिंपल्स आ जाते हैं आपके, और बच्चियाँ सोचती हैं कि ये क्या करें, हमारी एक्नी हो जाती है पीरियड्स के अंदर, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और बाज़ बच्चियाँ ट्यूब यूज़ कर रही होती हैं। एक तो आप लोग ना ये जो ब्लीच यूज़ करती हैं ना बच्चियाँ, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, ये ना यूज़ किया करें। ऐसी कोई आपको पता नहीं है मतलब कोई ब्रांड ऐसी ले लेते हैं जो आपको नहीं नॉलेज है और आप वो यूज़ कर लेते हैं ब्लीच, जिससे आपके फेस के ऊपर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। लेकिन ख़ासकर पीरियड्स के अंदर आप इसे अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके दाने जो छोटे दाने जो एक्नी है पिंपल्स वो जो ब्लीडिंग वाले हैं, आप उसके ऊपर भी ये यूज़ कर सकते हैं। जो आप इतनी बेस्ट मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, तो उसके लिए करना ये आपने कुछ कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, आपने हरा धनिया लेना है, उसको अच्छी तरह से पीस लेना है, और जो ये हमारे पास कॉटन बर्ड होता है उसके उसको आपने जो हरा धनिया पीसा होगा ना थोड़ा सा एक स्पून आप रख लें, उसको आपने कॉटन बर्ड को उसके अंदर लगाना है, और आपके जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं उसके ऊपर आपने वो हरा धनिया लगा देना है मिनिमम 10 मिनट्स के अंदर। जैसे आजकल समर सीज़न है तो वो ड्राई हो जाएगा, तो आप ये देखिएगा विद इन आवर्स के आवर के अंदर अंदर वेरी क्विकली रिज़ल्ट आपका जो है ये एक्ने का जो दाग है या जो दाना है ये रिमूव हो जाएगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैजिकल थिंग। और ये जो है आप फोरी लगाएं और विद इन आवर के अंदर अंदर आपका जो छोटा सा दाना एकदम नमूदार हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हम इतना हैवी ट्रीटमेंट लेने जा रहे होते हैं कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं बच्चे कुछ, ये दोनों चीज़ों के लिए आपके बेस्ट है। अगर आपको मिड नाइट यानी बीच रात में भी ये ट्रबल स्टार्ट हो गई है और आपके पेन हो रहा है, तो आप कोशिश ये करें कि जो दालचीनी होती है ये ला के आप घर में रख लें, और आपको जब भी ये अयाम में ये पेन स्टार्ट हो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे जो बच्चियां हैं वो ये क्वेश्चन मुझसे कर रही थी, मैम प्लीज़ प्लीज़ हमें ये प्रॉब्लम के बारे में बताएं। मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन क्योंकि जो एक माँ होती है उसको बेटियों के लिए एक माँ हाफ डॉक्टर होती है और वो बच्चों की ये पेन नहीं देख सकती, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी अभी भी मौजूद नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो से एक मैसेज है
ऐसे इलाकों में रहने वाले बच्चियों के लिए, लोगों के लिए जहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो काइंडली आप ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और उसका वो यही है कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों का भला हो जाए। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सकते, कम अज़ कम जहाँ तालीम की कमी है और हमें ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो हम उन लोगों को ये दे सकें। और जिन माओं को इस चीज़ का नहीं पता, उनको ये थोड़ा सा नॉलेज मिलके उन बच्चों का भला हो जाए। और आज की ख़ास वीडियो मेरे लिए एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, आप प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआ करें। मैं हर नमाज में उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उनके जो ज़ख़म हैं वो नहीं देखे जाते। इसी तरह मुझे कमिंग वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।